हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फूड प्रिजर्वेशन में ड्राइंग प्रोसेस और जो है कैनिंग प्रोसेस को पढ़ेंगे। ड्राइंग यानी कि अनाज में से वाटर को रिमूव करना, यानी कि बहुत से ऐसे फूड के आइटम्स हैं जैसे सीरियल्स है, पल्सेज हैं, स्पाइसेज है, उसको धूप में हम लोग क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो मॉइस्चर हो वह जो है रिमूव हो जाए। तो फूड के आइटम से वाटर को रिमूव होने की प्रोसेस को ही ड्राइंग कहते हैं या डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन या ड्राइंग प्रोसेस से भी फूड को प्रिजर्व किया जाता है। और जो है कैनिंग प्रोसेस, जैसे मालूम है कि जितने भी कार्टून में डिब्बे में जो फूड के आइटम्स जो पैक किया जाता है उससे भी फूड जो है प्रिजर्व होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होता है। उसको जो है एयर टाइट कंटेनर को मतलब ये बंद करके और फूड को प्रिजर्व किया जाता है और मार्केट में इसको सेल किया जाता है। और ये प्रोसेस जो है बहुत जो है आज की डेट में पॉपुलर है और उसे ख़राब नहीं होता है। तो यही हम लोग को आज जो है पढ़ना है, फूड प्रिजर्वेशन में ड्राइंग और कैनिंग। जैसे कि बोर्ड पे ड्राइंग के बारे में है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम फूड आइटम इज कॉल्ड ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। वही हुआ ड्राइंग या डिहाइड्रेशन, यानी कि फूड के आइटम्स जैसे है, जैसे दिस प्रोसेस स्टॉप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ग्रोइंग एज दे कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कि जब तक उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा तब तक वो ग्रोथ नहीं करते हैं, उसकी संख्या नहीं बढ़ती है। जैसे सीरियल्स है, धान, गेहूँ, चावल, मक्का, ये सब हम लोग क्या करते हैं, सुखा करके उसको हम लोग स्टोर करते हैं। पल्सेज, दाल, स्पाइसेज, मसाला, ये सभी जो है ड्राइंग प्रोसेस से हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं। और दूसरा जैसे दिया हुआ है कैनिंग। कैनिंग कंसिस्ट ऑफ स्टरलाइजिंग द फूड एंड देन सीलिंग इट, बंद करना, सील मने बंद करना, इन एयर टाइट कंटेनर, यानी कि डिब्बा में, जैसे बिस्किट वगैरह है या जितने भी ये बिस्किट है या अदर जो है, जैसे आज के डेट में जैसे खाने को मिलता है ये टेढ़े मेढ़े है, ये सब टंच है, ये सब पैक जो होता है ना उसमें एयर मिला करके उसको पैक करते हैं। तो एयर टाइट करने का मतलब ये हो गया कि उसमें बाहर से मॉइस्चर एयर इन नहीं करे। तो जब मॉइस्चर और जो है एयर जब इन नहीं करेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें ग्रोथ नहीं करेगा। तो सीलिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर्स, दिस प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड और ओवर ए ईयर। और इस तरीके से वो सालों भर जो है फूड जो है बिल्कुल जो है सेफ रहता है, वो जो है डैमेज नहीं होता है। तो ये दो प्रोसेस हो गया ड्राइंग एंड कैनिंग, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए कि फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं। तो फूड के बहुत से आइटम हैं जैसे सुखा करके और कैनिंग करके हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं।